Hello students, today we are going to solve a problem from the chapter Light Reflection and Refraction. Here is the question. An object is put at a distance of 20 cm from the optical center of a convex lens. एक कन्वेक्स लेंस है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। उस पे हमने इमेज फॉर्म किया, तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर पर, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज यू। तो जो यू की वैल्यू है वो कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड में है तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस आएगा, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जहां से हमारा जो रे है वो डाइवर्ज या कन्वर्ज होगी, राइट। अब जो हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है, इफ इट्स रियल इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब रे हमारी पैरेलल से रिफ्लेक्ट हो गई। लेट्स सपोज जहां मेरा फोकस था तो वो फोकस के पास होगी, ठीक है। जो हमारे पास दूसरी रे है वो ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो मेरी जो इमेज फॉर्म हुई बेसिकली वो इस साइड में हुई, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। वो कहाँ फॉर्म हुई हमारी, राइट हैंड साइड में हुआ, तो क्या बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा, 1/f = 1/v - 1/u, यानी 1/30 - 1/-25, ठीक है। तो ये एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, 150, 35 - - +25 से हो जाएगा हमारा 6, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 11/150। तो हमारी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 / 11, मतलब 13.63, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है लेफ्ट साइड में, इमेज 30 सेंटीमीटर रियल फॉर्म हो रही है राइट साइड में, तो जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर। तो द आंसर इज डी। I hope you understood this video. Thanks for watching. Please do subscribe our YouTube channel.